हमारे गांव के दोस्तों ये देखिए देसी बंदर इसको बोलते हैं हम, हमारे यहाँ देसी बंदर के नाम से जानते हैं इसको। देखें ये कैसे कैसे पेड़ पे चढ़ गया है। शाबाश बंदर जी शाबाश, अब देख पा रहे होंगे इतने बड़े पेड़ में चढ़ गया। अब ये दूसरा बंदर भी चढ़ने के लिए तैयार। दोस्तों आज मैं आया हूँ एक जंगल में, ये देख पा रहे होंगे मेरे पीछे पूरा जंगल ही जंगल है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो देखे यहाँ नीचे से कुछ निकाल रहे हैं, तो आइए देखते हैं लोग क्या निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या ढूंढ रहे हो? बहेड़ा। बहेड़ा दिखाएंगे जरा क्या होता है बहेड़ा। ये देखिए इनका कहना ये बहेड़ा है, ये देखिए। अब इसके अंदर से कुछ ड्राई फ्रूट जैसा कुछ निकलता है, ड्राई फ्रूट जो आप लोग खाते हैं कुछ वैसा, वो भी एक तरीके का ड्राई फ्रूट है ये भी। और इसको देखिए तोड़ने के लिए ये लोग इस पेड़ पे चढ़े थे। अब इस पेड़ से तोड़ने के बाद अब ये जो नीचे गिरा है यहाँ से लोग निकाल रहे हैं इनको खोज के। ये देखिए ये पूरा मैं जंगल में हूँ। ये देखिए ये एक भाई ने तो टोपी में ही निकाल लिया है, देखिए पूरा भरा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोर्स होता है एनर्जी का, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट के बारे में जानते हैं वैसा इसमें भी होता है। और ये जो बहेड़ा है ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है हमारे आयुर्वेद में। तो दोस्तों देखिए अब मैं इसके अंदर की चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए भाई दांत से ही छील रहे हैं इसको, इसका जो ऊपर का जो कवर है, अब कवर के अंदर निकलेगा असली वाला जिसको हम खाएंगे, ठीक है। इसका बताओ थोड़ा टेस्ट कैसा होता है भाई इसका। ओ भाई साहब अरे रुक जाओ अभी तोड़ लेना। ये देखिए भाई ने दांत से भी तोड़ दिया आपके सामने, ये देखिए इतना मोटा शेल, ये देखिए दांत से इसको तोड़ दिया देखिए, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर आप देख रहेंगे एक बहुत ही हार्ड लेयर है, इस हार्ड लेयर के अंदर निकलता है जैसे मूंगफली में होता है ना, मूंगफली में, ठीक है। वैसे देखिए इसके अंदर एक सुंदर सा बढ़िया सा फ्रूट निकला जिसका टेस्ट लाजवाब होता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं टेस्ट, जैसे ड्राई फ्रूट होता है ना हम बादाम खाते हैं, बादाम काजू, कुछ उसी टाइप का इसका भी टेस्ट होता है। ये देखिए बहुत ही हार्ड शेल के अंदर है, हार्ड शेल का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ताकतवर फ्रूट है, इसीलिए इसको इतनी सुरक्षा के साथ प्राकृतिक ने बनाया हुआ है। आपको ही पता है जितने भी ड्राई फ्रूट है वो किसी ना किसी हार्ड शेल के अंदर ही होता है, जैसे कि आप अखरोट देखते हैं तो ये भी क्या होता है, हार्ड शेल के अंदर होता है, ठीक है। तो हार्ड शेल का मतलब ही है कि इसे बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए प्राकृतिक ने इसको एक अच्छे कवर के अंदर रखा हुआ है। तो ये देखिए लोग अभी भी निकाल रहे हैं, नीचे गिरा हुआ उन्हीं को पेड़ से तोड़ा हुआ। देखिए एक भाई ने तो देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैं गांव का जुगाड़ भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये लोग कोई बैग लाए नहीं थे तो यहाँ पे इन्हें टी शर्ट खोल के उसी से ही अपना बैग बना लिया, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं गांव में भी कितना दिमाग है। ये बैग बनाने के लिए कहीं ये लोग किसी स्कूल में जाकर कोचिंग नहीं किया कि हाँ चलो ये बैग हम ऐसे बनाएंगे, ये ऑन द स्पॉट जिसको हम बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट माइंड काम करता है, ये वही माइंड है। देख पा रहे हो बहेड़ा खा खा के इन लोगों ने कितना अपना माइंड डेवलप कर लिया है। दोस्तों देखिए ये कितने घने जंगल में हम आए हुए हैं, आप देखिए पूरा एकदम पेड़ से भरा पड़ा है। अब जो मैं जिस लोगों के साथ आया था वो देखिए मेरे पीछे आगे निकल चुके हैं, मैं ये जंगल दिखाने के लिए थोड़ा सा पीछे रुक गया हूँ, ये देखिए पूरा जंगल। तो दोस्तों मैं आपको एक दूसरा फल भी दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए मेरे पीछे कुछ पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए बेर, बेर आप लोग को पता ही होगा जंगली बेर, ठीक है। आप लोग जो खाते हैं वो एक्चुअली में उसका घरों में लगाया हुआ बाग होता है वो होता है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जंगली बेर। ये देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको छोटे छोटे ये फल लगे हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए जंगली बेर। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसका प्लांट है, ये रहा जंगली, ये देखिए इसमें लगे हुए बहुत सारे फल, ये देखिए छोटे छोटे आपको दिख रहा होगा। आप लोग जो खाते होंगे वो बड़ा बड़ा सा होगा लेकिन ये बहुत ही छोटा छोटा होता है। एक्चुअली में
जो पौष्टिक है वो यही वाला होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट भरे पड़े हैं, तो आप देख पा रहे होंगे जंगल में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से जो आदिमानव लोग जंगल में रहते थे वो लोग यही सब चीज़ों को खा के अपना जीवन चलाते थे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ही हेल्दी तरीके से गुजरता था। ये देखिए लगा हुआ है, इसी वजह से वो लोग बीमार भी कम पड़ते थे। लेकिन आज हम आर्टिफिशियल चीज़ों में ज़्यादा आ गए, इसी वजह से बीमार भी ज़्यादा रहने लगे हैं। देखिए दोस्तों ये रहा बेर का ही पूरा जंगल है। ये एक भाई तो ये देखिए अपने दांत से तोड़ने की कोशिश कर रहे, इतना हार्ड है ये। ये अखरोट से भी हार्ड होता है। और ये देखिए एक भाई यहाँ ईंटे से तोड़ रहे हैं और एक भाई साहब इधर दांत से तोड़ रहे हैं। देखिए जोर लगा रहे हैं ये पूरी मात्रा में। अब देखना ये है कि कहाँ तक इनका जोर काम करता है। वैसे इनका स्वाद थोड़ा कसैला होता है, तो इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है ये मुंह में जाते ही बहुत ही अजीब सा सेंसेशन होता है। अब ये सेंसेशन कुछ ऐसा होता है जैसे आंवले का होता है। कच्चा आंवला अगर आपने खाया होगा तो आप जरूर जानेंगे इसका टेस्ट कैसा होता है। तो ये देखिए ये भाई लोग सब एकदम लाइन से बैठ गए हैं। ये बहुत ही पावरफुल होता है, पौष्टिक होता है, विटामिन इसमें भरे पड़े हैं। दोस्तों ये देखिए बहेड़ा, ये देखिए ये जो हमारे बंधु लोग हैं ये लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। अब देखिए इसकी तुड़ाई हो रही है और तोड़ने के बाद ये देखिए ये अंदर से निकल रहा है जो खाने वाला असली मटेरियल है। ये देखिए इस भाई ने एकदम बढ़िया से निकाला है। ये देखिए वही बहेड़ा है ये, और ये उसके ऊपर का ये छिलका, और छिलका के अंदर का ये और एक लेयर, उसके बाद अंदर निकलता है जिसको हमें खाना है। तो ये देखिए।